नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। सरकार की तरफ से फ्री राशन को एक्सटेंड किया गया है। पूरी जानकारी क्या है, पूरी सूचना क्या है, आपसे साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी की बात करें, तो कोरोना काल में जिस तरीके से या उन लोगों की बात करें जो पॉवर्टी लाइन के बिलो करते हैं, यानी कि 17% ऐसे पॉवर्टी लाइन के बिलो करते हैं जो जिनको खाने की दिक्कत थी, जिनको खाने की जो अपना सर्वाइव जो है वो नहीं कर पा रहे थे, और वहीं पर उन लोगों की बात करें जिनके पास राशन तक नहीं था, यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे, महामारी के टाइम पे लोगों के पास राशन तक नहीं था खाने के लिए, और उस टाइम पे फ्री राशन जो है वो एक स्कीम जो है वो निकाली गई थी, जिसके तहत फ्री राशन जो है उन लोगों तक पहुंचाया गया था। और 17% लोग ऐसे हैं, पावर्टी लाइन की बात करें तो, पावर्टी गरीबी की बात करें तो ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन जो है वो नहीं मिल रहा था, जिनके कारण वो अपने घर का गुजारा जो है वो नहीं कर पा रहे थे। और वहीं पर ये स्कीम जो है वो लागू की गई थी और फ्री राशन जो है वो मिलना शुरू हो गया था उस टाइम से। और वहीं पर बात करें राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड PHH एंड AAY जिसके तहत फ्री राशन जो है वो मिलना शुरू हो गया था उन लोगों को जो लोग अपने घर का गुजारा नहीं कर पा रहे थे। नौकरी की बात करें तो उस टाइम पे जॉब्स जो है वो भी चली गई थी, और उसके चलते उन लोगों को भी राशन जो है अपना घर का गुजारा जो है वो नहीं कर पा रहे थे। और वहीं पर सरकार ने राशन की बात करें तो मार्च स्कीम में ये राशन जो है वो एंड करने की बात जो है वो की गई थी, यानी कि मार्च में जब ये स्कीम जो है वो लागू की और उसके बाद मार्च में ये स्कीम जो है वो एंड करने की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद आपको बताते चले कि 6 मंथ्स जो है वो एक्सटेंड किया गया, यानी कि 6 महीने और बढ़ा दिया गया, और उसी के बाद 2020 और 2022 में ये स्कीम जो है, यानी कि 2020 में ये स्कीम निकली थी और 2022 में इस स्कीम को एंड करने की बात की गई थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि ये स्कीम जो है इसे और एक्सटेंड किया गया है, और कितना एक्सटेंड किया गया है, कितने महीने और फ्री राशन मिलेगा उन लोगों की बात करें जो, या आंकड़े की बात करें तो 80 करोड़ आंकड़ा जो है वो निकल कर सामने आया है जो लोग जो है इस राशन का बेनिफिट जो है उठा रहे हैं, फ्री राशन का बेनिफिट जो है वो उठा रहे हैं, और आंकड़ा जो है वो 80 करोड़ का आंकड़ा जो है वो निकल कर सामने आया है। और वहीं पर बात करें उन लोगों की, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, और उनके लिए ये बहुत बड़ी सूचना है कि उन लोगों को अब फ्री राशन जो है वो दिया जाएगा, और राशन कार्ड, इस राशन कार्ड के तहत जो है वो फ्री राशन जो है वो मिल रहा है PHH एंड AAY को। और वहीं पर मैं बताना चाहूँ आपको, तो बेनिफिट की जिस तरीके से मैंने बात की, तो 6 मिलियन के करीब लोग जो हैं इसका बेनिफिट जो है, यानी कि इस स्कीम का लाभ जो है वो ले रहे हैं, और उन्हीं के लिए ये एक बहुत बड़ी सूचना है कि अब दिसंबर तक, यानी कि 2022 दिसंबर 2022 तक ये डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है, और आप इस राशन का, फ्री राशन का बेनिफिट जो है वो कैसे उठा सकते हैं, आपको बताते चले कि आपके जो एसोसिएट होल्डर्स हैं आप उनके पास जाके उनसे बात करिए, और वहीं पर दिसंबर 2022 तक ये फ्री राशन जो है वो दिया जाएगा। आंकड़ों की जिस तरीके से मैंने बात की, तो आंकड़े आपको बताते चलिए, 6 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं। और वहीं पर पिछले समय की बात करें तो लॉकडाउन के टाइम पर वो उन लोगों की बात करें जिन लोगों का घर का गुजारा नहीं हो पाता था, जिन लोगों को राशन तक, खाने का राशन तक नहीं था, और उसी टाइम पर ये स्कीम जो है वो निकाली गई थी, और स्कीम के तहत ये राशन जो है, फ्री राशन जो है वो मिलना शुरू हो गया था, और उसी के चलते इसे मार्च में खत्म करने की बात भी की गई थी, लेकिन 6 मंथ्स और एक्सटेंड किया गया। और उसके बाद आपको बताते चले कि अब दिसंबर तक ये राशन जो है, फ्री राशन जो है वो मिलेगा। ये बहुत बड़ी सूचना है उन लोगों के लिए जो इस फ्री राशन का लाभ जो है, इस स्कीम का लाभ जो है वो उठा रहे हैं। देखते रहिए टीवी नेटवर्क के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ, ऐसी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए टीवी नेटवर्क। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा।